मॉर्निंग सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे सुविचार के साथ और अपने दिन की शुरुआत को बेहतरीन बनाते हैं, क्योंकि जब हमारा हर दिन बेहतर जाता है तो जिंदगी अपने आप ही बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है जहाँ पर हमें हर दिन हर पल एक नए किरदार निभाने पड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से निभाने पड़ते हैं। थक जाते हैं हम अक्सर इन सारे किरदारों को निभाते निभाते। जैसे लगता है कि कल की ही तो बात थी जब छोटे से थे, कितना अच्छा था ना, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई टेंशन। तेजी से जिंदगी का एक समय, एक पल सब बीत जाता है। कल हम सब स्कूल में पढ़ने जाते थे और आज हम कॉलेज जा रहे हैं। कल हम दूसरों को नौकरी पर जाते देखते थे और आज हम खुद ही जा रहे हैं। कल हम सभी बच्चे थे छोटे छोटे और आज हमारे बच्चे हो चुके हैं। समय कितनी तेजी से गुजरता है ना, एक एक पल, हफ्ते, महीने, साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब हम सभी छोटे थे तो बड़ों जैसा करने का मन होता था ना, उनके जैसे कपड़े पहनना, बातें करना, काम करना। उस समय ये एहसास ही नहीं रहता था कि बड़े होना असलियत में होता क्या है। और अब देखिए जिंदगी फिर, अभी जब इतने बड़े हो गए हैं तो कहती है काश फिर से छोटे हो जाते, कितना अच्छा होता, बिल्कुल बच्चे जैसे, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात का, या फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिंदगी हमारी ऐसी ही है ना, जो है उसे छोड़ के, जो नहीं है उसे ही मांगता है। सब कुछ हमारे पास हो तब भी हमें कुछ न कुछ कम ही लगता है, और जब कुछ ना हो तो भी लगता है। जो जैसा है, जितना है, हम उसी में बेहतर, उसी के साथ बेहतर, पता नहीं क्यों सोच ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। किसी और को ऐसा करते देख खुशी बहुत होती है, पर हम अपनी क्षमता को इस तरह से कभी देख ही नहीं पाते। और फिर जिंदगी की छोटी छोटी बेहतरीन खुशियों को ना हम जी ही नहीं पाते। काश वो समय फिर से आ जाता, काश ऐसा हो जाता, काश हम फिर वो कर पाते। हम बस यही सोचते रहते हैं, उसी पल, उसी क्षण में कभी जी ही नहीं पाते। किसी ने क्या बेहतरीन कहा है कि कौन कहता है कि जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, कौन कहता है जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का है ये समय और हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत चने का मसालेदार मजेदार निमोना बनाने के साथ। बड़ों को प्रणाम, सादर चरणों पर, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर एक नए सफर के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ, और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। और आप सभी के बस प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। तो कल है हमारे सीटेट एग्जाम, आज है 31 जनवरी दिन मंगलवार, और कल पेपर है। आज पेपर से एक दिन पहले का दिन है और बिल्कुल टेंशन और घबराहट अपने चरम सीमा पर। और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं अपनी सोमारी और अपने सनी को रोटी खिलाने के लिए। मम्मी ने रात को रोटी रखा हुआ था। सनी, 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 मुझे पहचान रहे हो? सनी, आपके साथ खेलने के लिए कोई आ रहा है, आपको पता है? हाँ, आपके जैसे ही छोटा छोटा बच्चा आ रहा है आपके साथ खेलने के लिए। सनी, और अभी हम आए हैं यहाँ पर मूली तोड़ने के लिए। बहुत सारे मूली पूरे तैयार हो चुके हैं और नहीं निकालेंगे अभी ना तो बाद में ये बेकार हो जाएंगे, तो इसीलिए सोच रहे थे कि दो तीन मूली रख देते हैं। जो चने का निमोना हमने बनाया है उसके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया मूली, ये ऊपर निकल गया है। देखिए इसको नहीं निकालेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। और भी हैं, ये सब छोटे छोटे हैं, अभी पतले पतले हैं। इतने तेजी से ये देखिए पत्ता निकल गया लेकिन मूली नहीं निकली। पापा बोलते हैं इसको डायरेक्ट सीधे ऐसे उखाड़ लेना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसे हिलाएंगे तो फिर निकल ही नहीं रहा है ये तो।
ओह निकल गया, बहुत मेहनत से निकला, एकदम अंदर था। तो अभी ना मूली को धो करके हमने रख दिया है एक साइड में, और यहाँ पर अभी हम चल रहे गैस पोंछने के लिए। और आपको पता है आज हमारी दीदी आने वाली है, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से था दीदी का आने को, लेकिन दीदी को मौका ही नहीं मिल रहा था, और अब जा करके अभी उनका डिसाइड हुआ है आना। और अभी गैस पोंछने के बाद ना हमने चढ़ा दिया है दूध उबलने के लिए, रात का दूध था, रखा हुआ था, बचा था, तो हमने सोचा इसका खीर बना देते हैं दीदी के लिए। जब भी दीदी आती है ना तो हम उनका फेवरेट वाला खाना जरूर बनाते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं बना रहे हैं। दीदी ने ही फ़ोन करके मना कर दिया, वो जानती थी कि चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो मैं बनाऊंगी। दीदी ने ही मना कर दिया फ़ोन करके कि परेशान बिल्कुल भी मत होना, जो बनाते हैं हर रोज़ वही बनाना, कुछ भी स्पेशल मत करना। दीदी का पूरा सख्त आदेश है, उनका कहना है कि बस पढ़ाई पर अभी ध्यान दो, पूरा रिवीजन करो और बिल्कुल भी परेशान मत होना। लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था, खाना तो बिल्कुल सिंपल ही जैसे हर रोज़ बनाते वैसे ही बनाया है, लेकिन ना यहाँ पर मन कर रहा था थोड़ा सा खीर कुछ मीठा बनाने का दीदी के लिए। तो बस हमने सोचा जब तक बर्तन धोएंगे ना तब तक खीर तो आराम से हो जाएगा, तो बस इसीलिए अभी ना एक साइड बर्तन धीरे धीरे सारा धो करके रख दे रहे हैं, और दूसरी साइड ना हमने गैस पर चढ़ा दिया है, अपना खीर भी पक रहा है वो भी साथ ही साथ। और ये मम्मी का पानी लगाए हुए थे गर्म होने के लिए, मम्मी नहा रही है तो पानी गर्म हो चुका है, तो बाथरूम में जा रहे मम्मी को देने के लिए। इस समय ना मन दुखी भी है, घबराहट भी हो रही है अंदर अंदर से एग्जाम के लिए, और दीदी के आने की खुशी भी हो रही है। जब तक एग्जाम बीत नहीं जाता है ना तब तक घबराहट भी नहीं जाती है, चाहे हम कितना भी पढ़े रहे, कितना रिविजन किए रहे, कितना अभ्यास किए रहे ना, लेकिन फिर भी घबराहट जाती ही नहीं है। और देखिए अभी हमारा खीर भी हो चुका है, तो हमने चीनी डाल दिया है अच्छे से, और उसमें ना सारी बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं, और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं पानी भरने के लिए, इसके बाद फिर चलेंगे नहाने को। तो अभी यहाँ पर ना नहा धुलने के पश्चात हम अपने रूम को व्यवस्थित करने जा रहे हैं एक आने वाले नन्हे मेहमान के ना खौफ से, क्योंकि वो जब आएंगे ना तो पूरा सामान इधर उधर फेंक देंगे, तो बस इसीलिए जो भी अलमारी पर नीचे सारा सामान है ना उन सारे सामानों को हमने हटा दिया है, ऊपर रख दिया है। सारा जितना भी सामान ना अलमारी के नीचे वाले खाने में था ना वो सारा सामान उठा करके सारे दोनों खाने जो ऊपर वाले हैं उनमें रख दिया है। और अभी जो चिड़िया नहीं हमने सामने बनाया हुआ था अर्पण वाला जागृति के बगल में जो था वो बिल्कुल लंबा नीचे तक लटक रहा था, तो हमने ना आधा काट करके ना दूसरे साइड में अभी लगा दिया है, क्योंकि बहुत नीचे तक लटक रहा था और बाबू पूरा पा जाएगा, तो बस इसीलिए ना बीच में से आधा आधा काट दिया और दोनों साइड लगा दिया है। और अभी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है ना, बहुत पहले हमें एक दीदी ने कहा भी था कि जागृति दोनों साइड बना के लगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ना मौका ही नहीं मिल पा रहा था फिर से बनाने के लिए, तो हमने फिर यही सोचा कि बीच में से ही काट देते हैं और दोनों साइड भी लगा देते हैं, बच भी जाएगा बाबू की नज़रों से और फिर अच्छा भी लगने लगेगा और ज़्यादा। तो अभी नन्हे मेहमान और हमारे दीदी के आने की हमने पूरी तैयारी कर ली है, बस यहाँ पर चादर अभी बिछाना बाकी रह गया था तो हमने वो भी बिछा दिया है। ये ना कंबल वाला चादर है, इसको बिछा देंगे तो गर्माहट पूरा रहेगा बेड पर। सिंगल ही हमने पहले बिछाया हुआ था क्योंकि हम उतने दूर में ही सोते थे, तो बस हमने सिंगल ही बिछाया हुआ था बेड पर अपने, लेकिन अभी तो यहाँ पर दीदी भी सोएंगी, बाबू भी सोएगा, हम भी सोएंगे, तो इसीलिए पूरे बेड पर अभी डबल वाला बिछा दिया है। शादी के पहले ना दीदी ही रहती थी इस कमरे में, लेकिन दीदी गई तो फिर ये कमरा हमारा हो गया। और अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम कितना अच्छा लग रहा है, चंदा मामा दिख रहे हैं, हल्की हल्की बदरी है, बहुत अच्छा लग रहा है बादल। और शाम के 4 बज चुके हैं लेकिन दीदी अभी तक नहीं आई है, दीदी का भी फ़ोन आया है, वो अभी निकली है अपने घर से, तो देखते हैं कब तक, 2 घंटे लगेंगे लगभग वहाँ से आने में। अरे कौन आया भाई? तो अभी बज रहे शाम के 6:30 और अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, और अभी जाकर दीदी और बाबू आ रहे हैं। दीदी का बाबू है ये, कृष्ण नाम है, और बाबू को देखते ही ना बिल्कुल सारा टेंशन, सारा घबराहट सब गायब हो गया, सब छूमंतर हो गया। और ये है हमारी दीदी। शादी के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, जिसे हम लोग मोह माया कहते हैं, सभी अपने मोह माया में परेशान हो जाते हैं। फिर बहुत दिनों से दीदी का था आने का मन, और बहुत दिनों से हो भी रहा था दीदी आने वाली है, और अब जाके दीदी आई है।
और अभी बस हम लोग यहाँ पर पूछताछ में लगे हुए हैं कि क्यों लेट हुआ, तो बस वही दीदी कारण बता रही है। जीजा जी का हमारे ना तबीयत खराब है अभी फिलहाल में, ना उनके कमर में बहुत दर्द है, पैर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर को दिखाया हुआ था, दवा चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी आराम नहीं हुआ है। आज भी दीदी आने वाली नहीं थी, कैंसिल ही था उनका आना, लेकिन फिर जीजा जी को ना थोड़ा सा आराम हो गया तो फिर दीदी का आना हो गया। और ये देखिए इधर, ये बस आते ही इनका सारा शुरू हो गया कार्यक्रम। और जितना भी पत्थर रखा हुआ था ना बाहर मार्बल वाला, पिछली बार भी जब ये आए थे ना तो अभी तक भूले नहीं है। पिछली बार भी आए थे तो पूरा मार्बल का पत्थर ले ले करके ना पूरा इधर उधर फेंक रहे थे, और अभी तक भूले नहीं है, फिर से पत्थर को पहचान गए। बिछड़ा हुआ दोस्त इनको वापस से मिल गया इनका। और ये देखिए, जो हमने सुबह खीर बनाया हुआ था दीदी के लिए थोड़ा सा, वो बिल्कुल अभी जम गया है। हमने यही सोचा दीदी के लिए बनाया है तो पानी पीने के लिए यही दे दे, तो बिल्कुल अभी जम चुका है। लेकिन फिर दीदी के लिए इतने प्यार से बनाया है, दीदी ने कहा कि दो वही खा के पानी पियेंगे। और फिर अभी दूध दुहाया नहीं है गाय का ना, नहीं तो उसी को खला के ऊपर से डाल देते तो थोड़ा सा सही हो जाता खीर, लेकिन अभी दूध दुहा नहीं गया है गाय का। और अभी दूध है भी नहीं, जितना दूध था ना बचा हुआ हमने खीर ही बना दिया था, और ज़्यादा अभी ना दूध रखते भी नहीं क्योंकि कोई पीता नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही दूध था जिसमें कि हमने खीर बना दिया। और अभी देखिए क्रिश को भी बुला रहे थे कि खीर खा के पानी पी लो, तो ये आ ही नहीं रहा था। मीठा इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, चटपटा सारे चीज़ अच्छा लगता है, मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बस ये बार बार पत्थर के पास, और जो हमारा सोलर सेल का चार्जर रखा हुआ है ना उसको फ़ोन बना करके बस उन्हीं से खेल रहे थे, बात कर रहे थे लगा लगा करके। तो अभी हमारी आदू बाबा बना रही है काढ़ा दीदी के लिए, और ये देखिए ये आकर के चेयर के पीछे छुप गए हैं खीर खाने के डर से। और अभी हम नीचे आए थे दीदी के लिए ना कपड़ा निकालने के लिए, आज दीदी का बैग नहीं आया है, आज दीदी आई है कल दीदी का बैग आएगा, तो हमने अपना वाला एक ना कुर्ती निकाल लिया है। और कुर्ती का ना लेगिंग्स देखिए आज हमने अपने खुद ही पहन लिया है, और यही वाली कुर्ती हमारी थोड़ी सी ढील ढाली है और बाकी सारी तो एकदम फिटिंग की है, टाइट होगी दीदी को। तो फिर हमने मिलती जुलती कलर की एक लेगिंग्स निकाली अपनी वाली और वही दे दिया है अभी, तो दीदी ने कहा ठीक है यही पहन लेंगे। बाकी दीदी का बैग कंगाल रहे थे, दीदी ने अपने कुछ स्वेटर्स और बच्चे के कुछ ज़रूरी कपड़े ना रात भर के लिए ला दिए, कल सुबह दीदी का बैग आ ही जाएगा, तो रात भर के लिए दीदी ने जो ज़रूरी था ना वो अपने बैग में ही डाल दिया है। और अभी आधुआ हमारे काढ़ा भी बन चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए काढ़ा पीते हैं। आज पापा को ना शादी में जाना है, तो अभी बस पापा थोड़ी देर में ना निकलेंगे शादी के लिए। और अभी आदू ने चूड़ा और मटर लाया हुआ है, तो अभी हम चलेंगे चूड़ा मटर बनाने के लिए दीदी के लिए, और फिर इसके बाद दीदी से पूछेंगे क्या उनका खाने का मन है, तो फिर उस हिसाब से खाना बनेगा। जिस दिन भी पापा को कहीं जाना होता है ना, जिस दिन पापा नहीं रहते उस दिन बस यही होता है कि क्या खाना बनाए। आदू ने कहा कि दीदी हम बना देंगे चूड़ा मटर, आप जाके अपना पढ़ाई करिए, तो बस हम इसीलिए आ चुके हैं अभी नीचे। दीदी आई है, बाबू आया है, मन तो कर रहा था उन्हीं के पास रहने का। कौन है इसके अंदर, कौन है इसके अंदर, दिख तो नहीं रहा है क्रिश, किधर देखूं, अरे नहीं दिख रहा है मुझे क्रिश, अरे अरे कौन है भाई, किधर हो भाई, अरे यदि घर में एक छोटा सा बच्चा हो ना तो हर दिन बस इंसान खिलखिलाते हुए ही बीते, बिल्कुल उदास होने का समय ही नहीं मिलेगा बच्चे की छोटी छोटी हरकतों को देख करके। और अभी यहाँ पर ना मम्मी के साथ मिल करके हम रजाई निकाल रहे थे दीदी के लिए, और दीदी अभी कमरे में आई तो दीदी को कमरा बहुत अच्छा लग रहा था, पहले से बिल्कुल बदल दिया है सारा कुछ, हमने डेकोरेट कर दिया ना, दीदी को बहुत अच्छा लग रहा था सारा कुछ देख करके। बाबू भी ना रूम में सारा देख करके ना बहुत खुश हो रहा था, और सबसे अच्छा उसे लग रहा था चिड़िया, और चिड़िया मांग भी रहा था, और दूध के नाम पर ना तो बिल्कुल एकदम रोने लगता है, आता ही नहीं है। अभी दूध पिलाने का समय हो चुका है, कब से बस खेल रहा है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, घर से भी आते समय दीदी ने दूध नहीं पिलाया था। बाकी ये देखिए हमारा अधूरा काम हमारा बाबू पूरा कर रहा है, दिवाली डेकोरेशन की जो साफ सफाई हमने नहीं करी थी ना, दिए चिपकाए थे ना वो हमने उखाड़े नहीं थे, ऐसे ही छोड़ दिया था, तो आज हमारे बाबू वो पूरा कर दे रहे काम, और पूरा दिया उखाड़ करके ना खुशी भी बहुत मिल रही थी, बहुत खुश हो रहा था। बहुत चंचल है हमारा बाबू, पूरा दिन स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहता है, और अभी देखिए कितना शांति से सो चुका है, और अभी सो चुका है तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा सूना सूना सा लग रहा है। बाकी चलिए अपने वीडियो ब्लॉग को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करते हैं, समय कब हो जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, यूं ही हमेशा जुड़े रहिएगा, अपना परिवार बनाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।